अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं उमर यूसुफ और आप देख रहे हैं परदेसी किचन टीवी। तो आज हमारे चैनल को हो गए हैं मुकम्मल 30 दिन। फर्स्ट रमज़ान को हमने अपने चैनल पर काम शुरू किया था, तो आज हमें पूरे 30 दिन हो चुके हैं। तो आज माशाल्लाह दिन भी सुबह से बहुत प्यारा दिन है, सुबह से ईद है, ईद उल अज़हा। तो आप सब मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक, और ख़ास करके जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। तो ईद के लिए हमने ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट रखा था। हमने कहा था ना पहली वीडियो में, आप जब हमारे 15 दिन मुकम्मल हुए थे तो हमने कहा था, उस टाइम ही हमने केक काटा था, तो हमने कहा था कि 30 दिन मुकम्मल होने में भी केक काटेंगे। माशाल्लाह आज हमने हमारे चैनल को मुकम्मल 30 दिन हो चुके हैं, तो आज भी हम केक काटने लगे हैं, वो आपके सामने है माशाल्लाह, ये देखें। तो आप भी अगर शिरकत कर सकते हैं तो वीडियो देखने में कर लें। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कुछ पैसे नहीं पे करने पड़ते, ये बिल्कुल फ्री है। तो बहुत अच्छी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी ईद गुजरेगी। तो हम तो इधर हैं सऊदी अरेबिया में, तो हमारे तो इधर लॉकडाउन है पूरे 5 दिन के लिए, जो 24 घंटे हमें रहना है अपने घरों में, अपने रूम में। तो हमारी तो मजबूरी है, आप तो पाकिस्तान में होंगे या कहीं और होंगे, तो आपको फिर भी थोड़ी बहुत ही आज़ादी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये देखें, हमने केक काटा, तो आप हम इसको सर्व भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ, क्योंकि हमने रमज़ान था, आपको मालूम है रमज़ान में इतना कुछ खाया नहीं जाता, फ्रूट भी था, कुछ और भी चीज़ें थी जो अफ्तारी के टाइम खाते हैं। तो ये केक हमने काटा था, तो हम ये देकर आएंगे अपने हमसायों को। तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा केक है अंदर से। तो अगर आप भी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो वीडियो हमारे दूसरे दोस्त भी देख सकें। तो खसूसी तौर पे आप लोगों को ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी गुजरेगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़ व नस्र।